इसलिए अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वीकृति दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने सहमति दी है। एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने सहमति दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय श्री स्टालिन साहब ने सहमति दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सहमति दी है। सीपीआई के सचिव श्री डी राजा साहब ने सहमति दी है। सीपीएम के सचिव श्री सीताराम येचुरी साहब ने सहमति दी है। और माले के सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य, इन्होंने सहमति दे दी है। और अब 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। तो तय हो गया है, वेन्यू जो है वो पटना में है। पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। और जो महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, और सभी लोगों की ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष, जो लाइट माइंडेड पार्टीज जो हैं, उन सब को जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए, रणनीति तय की जाए। तो हमको लगता है कि सभी लोगों का प्रयास इसमें लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, उनके साथ हम खुद कई जगह पर कई नेताओं के साथ हमारी मुलाकात भी हुई, और हमको लगता है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो जो देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है, तो एक बड़ी अच्छी खबर है। और हमको लगता है कि इस बैठक के होने के बाद जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आएगा।